खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। कांग्रेसी नेता लक्ष्मण झा पर किया जानलेवा हमला। सुपौल जिला के कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर जानलेवा हमला को लेकर सदर थाना में लिखित शिकायत की है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण झा ने आरोप लगाया है कि बीते रक्षाबंधन के दिन उन पर जानलेवा हमला बदमाशों द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने लोकाहा ओपी में FIR दर्ज करवाया था। जिस मुकदमा को उठाने को लेकर आज सदर थाना इलाके के परसरमा के समीप जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया। अब इस बाबत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण झा ने सदर थाने की पुलिस से न केवल शिकायत की है, बल्कि उन्होंने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। निकला घर से तो मेरे ऊपर जो है सो वार किया गया, जिसका मैं FIR लोखा थाने में दर्ज कर चुका हूँ 532-20। आज जब मैं सुपौल कुछ अपने निजी काम से आ रहा था परसरमा नहर के पास, वो लोगों ने मुझे रोक कर, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था 9:30 बजे की बात है, रोक कर मुझे कहा कि तुम अपना मुकदमा वापस लो अन्यथा तुझे जान मार देंगे। और उसी दरमियान में मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करते हुए धमकी डाला दी और बोला जो मैं तुम अगर केस अभी लोग नहीं उठाते हो तो तुम्हें समाप्त कर।